जिनको बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। ऐसा ही एक त्योहार है होली, जो फागुन मास की पूर्णिमा के अगले दिन मनाई जाती है। वहीं होलिका दहन फागुन पूर्णिमा की रात को किया जाता है। होलिका दहन के दिन को छोटी होली के नाम से भी जाना जाता है। होली भगवान श्री कृष्ण का पसंदीदा त्योहार है और ब्रजभूमि भारत एक ऐसी जगह है जहां होली बहुत ही जोश, उल्लास और मस्ती के साथ मनाई जाती है। कई जगहों पर तो होली केवल एक दिन या दो दिन ही मनाई जाती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा में होली कई दिनों तक और अलग अलग तरीकों से मनाई जाती है। चलिए अब बताते हैं आपको मथुरा की इन होली के बारे में। लड्डू होली। वैसे तो लड्डू को भोग व शगुन के तौर पर रखा जाता है। लड्डू खुशी के मौके पर बांटे जाने की परंपरा है, लेकिन बरसाना में लठमार होली से ठीक एक दिन पहले लोगों पर अबीर गुलाल की तरह लड्डू फेंके जाते हैं। लड्डू होली लठमार होली से पहले लोगों के बीच मिठास घोलती है। कहा जाता है कि नंदगांव से होली खेलने के लिए बरसाना आने का निमंत्रण स्वीकारने की परंपरा इस होली से जुड़ी हुई है, जिसका आज भी पालन किया जा रहा है। आमंत्रण स्वीकारने के बाद यहां सैकड़ों किलो लड्डू बरसाए जाते हैं। इस लड्डू होली को देखने के लिए देश विदेश से श्रद्धालु आते हैं और लड्डू प्रसाद पाकर स्वयं को धन्य भी मानते हैं। बरसाना की लठमार होली। बरसाना में लठमार होली बहुत ही धूमधाम से मनाई जाती है, जबकि अगले दिन नंदगांव में लठमार होली का आयोजन किया जाता है। लठमार होली में रंग और गुलाल की धूम के बीच महिलाएं लठ से पुरुषों की प्यार भरी पिटाई करती हैं। महिलाओं के हाथ में जहां बांस के लठ होते हैं, वहीं पुरुषों के हाथ में अपनी सुरक्षा के लिए लकड़ी और धातु की ढाल होती है। कहा जाता है कि जब श्री कृष्ण बरसाना, जो कि राधा मैया का गांव है, राधा मैया से मिलने आए, तो बरसाना की महिलाओं ने उन्हें वहां से भगाने के लिए लठ और डंडे लेकर उनका पीछा किया। होली पर नंदगांव, जहां कान्हा का घर है, के पुरुष त्योहार मनाने बरसाना आते हैं और बरसाना की महिलाएं लठ मार होली से उनका स्वागत करती हैं। फूलों वाली होली। होली से पहले एकादशी पर वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर में एक अनोखी होली खेली जाती है। इसमें पारंपरिक सूखे या गीले रंगों का उपयोग नहीं होता, बल्कि यह होली फूलों से खेली जाती है। विडो होली। ये होली वृंदावन के गोपीनाथ मंदिर में मनाई जाती है। भारत में विधवाओं ने हमेशा कठिन जीवन व्यतीत किया है। उन्हें अक्सर अपने घरों से भगा दिया जाता था और वाराणसी और वृंदावन में आश्रमों में रहने के लिए मजबूर किया जाता था। विडो होने के बाद वे हमेशा ही सफेद कपड़े पहनती और कभी रंगों से नहीं खेलती। लेकिन कुछ साल पहले वृंदावन में पागल बाबा विधवा आश्रम की विधवाओं ने इस परंपरा को तोड़ते हुए रंगों से होली खेलना शुरू किया। बांके बिहारी मंदिर मनमोहक होली। बांके बिहारी मंदिर वृंदावन में होली का उत्सव मुख्य केंद्र है, जिसे भगवान श्री कृष्ण का जन्म स्थान माना जाता है। यहाँ का कार्यक्रम मुख्य होली त्योहार से ठीक एक दिन पहले होता है। यहाँ भक्त खुद भगवान के साथ होली खेलने आते हैं। पुजारी रंग और पवित्र जल फेंकते हैं और भीड़ एक साथ भगवान का नाम जपती है। इस होली का अनुभव आप जीवन भर नहीं भुला पाएंगे। मथुरा के द्वारकाधीश मंदिर में रंगों से मनाई जाने वाली होली। रंगों वाले दिन, या कहिए कि दुल्हनदी के दिन, सबसे बड़ा त्योहार मथुरा के ऐतिहासिक द्वारकाधीश मंदिर में होता है। यहाँ पुजारी ढोल बजाते हैं, रंग फेंकते हैं और मंदिर के अंदर वाले क्षेत्र में खास तौर पर महिलाएं होली खेलती हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।